हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक वीवो का हैंडसेट है और ये एक MTK चिपसेट है। इसमें प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, इसमें ग्राफिक नहीं आ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ग्राफिक का अगर कोई फॉल्ट आपके पास आता है तो उसको कैसे चेक करना है, क्या क्या चीज़ें चेक करना है। और पूरा वीडियो एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। अभी नेक्स्ट बैच जो है हमारा 27 मई से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें एंड्रॉयड के साथ आईफोन का CPU मास्टर बेसिक कोर्स फ्री रहने वाला है, जिसमें हम CPU हर बच्चे से करवाते हैं, A8 से लेके A14 A15 तक। इसके अलावा मदरबोर्ड यहीं पे दिए जाते हैं। और आईफोन में जो एक्स्ट्रा हम करवा रहे हैं, जिसमें कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करे हैं। और अभी 1 मंथ का ऑफर चल रहा है, अगर आप चाहे तो आप आ सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड के साथ आईफोन के मास्टर बनना चाहते हैं तो जुड़ जाइए फोन फिक्स हैदराबाद के साथ। आईफोन में आपको Face ID, इसके अलावा पैनिक एरर्स, इसके अलावा बैटरी एरर, कैमरा एरर, डिस्प्ले एरर, NAND अपग्रेड, ओनली RAM कैसे चेंज करना है, ओनली हार्ड डिस्क कैसे अपग्रेड करना है, 64GB से 128 भी कर सकते हैं आप, 256 भी कर सकते हैं, सारा चीज इसमें बताया जाएगा। प्रोग्रामिंग बताई जाएगी आईफोन की। ये तो हो गया एक्स्ट्रा आईफोन का। एंड्रॉयड में आपको बेसिक से एडवांस हम कोर्स करवाते हैं, जैसे आप जानते हैं। मदरबोर्ड सारे हम ही देते हैं और बहुत अच्छा ऑफर है मई मंथ के बैच में। जल्दी से कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, जुड़ जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्राफिक के प्रॉब्लम देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले एक बार मैं यहाँ पे DC से ऑन करके बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे हम कनेक्टर को DC से कनेक्ट कर लेते हैं और ऑन करके चेक करेंगे। ये देख सकते हैं वाइब्रेट हो चुका है मेरा मोबाइल और यहाँ से ये अभी ऑन भी होगा। DC की स्विचिंग बताना चाहूंगा मैं आपको, देख सकते हैं 15, 20, 30, 40 तक चला जाएगा, 1 एम्पियर तक जाएगा ये। तो देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो कोई लाइट, कोई ग्राफिक नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी के हैंडसेट्स में अगर आप देखोगे तो कोई ग्राफिक नहीं आता है तो लाइट भी नहीं आता है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो चलिए हम PCB से मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। पावर की का पत्ता मैंने खोल लिया, चार्जिंग का भी मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं बैटरी, इसका डिस्प्ले का भी पत्ता निकाल लेता हूँ। एक बार बोर्ड को अच्छे से आई स्कैन करेंगे, कनेक्टर वगैरह। सबसे पहले डिस्प्ले का जो कनेक्टर है, यही वाला कनेक्टर देखते हैं। तो ये देख सकते हैं कनेक्टर तो पूरी तरह से अच्छे से दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, कनेक्टर अच्छा है। चलिए अब बोर्ड में आ जाते हैं। तो ये इसका डिस्प्ले का कनेक्टर है और ये वाला जो है इसका नीचे से सब बोर्ड का कनेक्टर है, FPC कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर। अब फ्रेंड्स, होता क्या है, इस वाले कनेक्टर के पास जनरली आपको ग्राफिक के लिए डुअल कॉयल दिए जाते हैं, जिसको हम EMI फिल्टर्स कहते हैं, जहाँ पे हमारी MIPI प्रोटोकॉल कनेक्ट होती हैं। इससे पहले भी हमने एक वीवो का फ़ोन बनाया था जिसमें लाइट का इशू था, जिसमें कोई स्क्रैच, वो यहाँ से ट्रैक व्रैक ब्रेक था, वो एक दूसरा फ़ोन था। अभी ये जो फ़ोन देख रहे हैं आप, इसमें काफ़ी सारा पेस्ट डाल के है। और अगर इस साइड में देखेंगे तो CPU जो है इसमें 6762 का है, 4G CPU है ये, सैमसंग का इसमें MMC लग के हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे BQ2560 2560 1, ये एक इसकी चार्जिंग AC है। यहाँ पे K318 रिंगर AC यहाँ पे है। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो वाईफाई के लिए AC दी गई है। और अगर इस साइड में देखोगे तो 4GPA 2GPA, एक DRX IC और एक RF ट्रांस रिसीवर, यहाँ पे 26 MHz का क्रिस्टल यहाँ पे ऊपर लग के पत्रे के अंदर। पावर AC 6357 CRV है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5 कॉयल देखने मिलेंगे। एक यहाँ पे लोअर LDO के लिए अलग से IC होती है, जो कि एक्सटर्नल बक, और यहाँ से फिर ये VA12 के लिए बनती है, ये इसका हायर LDO बनता है। मॉडम की सप्लाई APC 1, APC 2 दोनों यहाँ से बनती हैं इसकी। तो ये सारी चीज़ इसमें है। नेक्स्ट देखेंगे, ये लाइट IC है, 6 लेग का लाइट IC है। और ग्राफिक के लिए जो IC यूज़ करा है, SM5109, ये देख सकते हैं SM5109। एक बार जूम करके बताना चाहूंगा मैं, SM5109 ये जो IC है इसकी ग्राफिक IC है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर आपको 15 बॉल होते हैं और सबसे पहले हम डिस्प्ले कनेक्टर पे चेक करना होता है कि MIPI की जो लाइन से सारी हमारी सही है कि नहीं है। इसके बाद हमको चेक करना होता है VSP और VSN। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पहला पिन है इसका VSP का है
और जो दो तीन नंबर का पिन है इसका VSN का पिन है, कनेक्टर तो प्रॉपर से कनेक्ट है। इसकी ट्रैक आपकी इस IC के साथ जुड़ी होनी चाहिए। ये हमारा VSP का कैपेसिटर है और ये जो है VSN यहाँ से निकलता है। एक नंबर पिन यहाँ पे होती है IC की, जो अगर आप गिनेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस तरह से E1 E2 E3 ये जो IC होती है आपकी 15 बॉल की IC होती हैं। एक बार मैं यहाँ पे लैपटॉप में बताना चाहूँगा आपको, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर देता हूँ मैं, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी 15 बॉल की IC है, जिसमें अगर आप चेक करोगे A1 हमारा इनेबल 2 है, जो कि ग्राफिक के सिग्नल जो होते हैं हमारे -5 के लिए होता है, और B1 जो है हमारा EN1 है, जो कि हमारा VSP के लिए होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, सबसे पहले इसको VPS C1 में मिलना चाहिए, एक बूस्ट कॉइल के थ्रू ये D1 में स्विचिंग के लिए यहाँ पे एक लाइन जाती है, ये भी इसके साथ कनेक्ट होनी चाहिए बूस्ट कॉइल के साथ। E1 ग्राउंड है और E2 और D3 दोनों VBST पिन है, जो कि कैपेसिटर के साथ ड्रेन किया जाता है। पास में आपको एक पैरेलल में कैप मिलेगा और ये CN एंड CP ये दोनों आपको एक सीरीज में फ्लाइंग कैप देखने मिलेगा। IC to IC कनेक्टेड होता है ये, जैसा आप देख सकते हैं इसका एक साइड इस तरफ कनेक्टेड है, एक तरफ नेगेटिव साइड कनेक्टेड है, एक तरफ पॉजिटिव साइड कनेक्टेड है। और इस IC को वर्क कराने के लिए CPU से दो सिग्नल आते हैं क्लॉक एंड डाटा के, देख सकते हैं कम्युनिकेट कराने के लिए या कमांड देने के लिए इसको कब +5 -5 बनाना है, उसके लिए क्लॉक डाटा के दोनों सिग्नल यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। इतना सब कुछ मिलने के बाद IC जो नेगेटिव वोल्टेज निकालेंगी A2 से निकालेगी, और पॉजिटिव +5 जो होता है हमारा, जिसको हम VSP बोलते हैं, वोल्टेज सिस्टम पॉजिटिव वोल्टेज सिस्टम नेगेटिव, दोनों डिस्प्ले तक कनेक्ट होने चाहिए हमारे। तो इस IC में भी हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम कूल टेस्टिंग करते हैं और कूल टेस्टिंग करके चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा VSP और VSN जो है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर पे चेक कर लेंगे VSP की जो GR है आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ब्लैक रेड प्रोब ग्राउंड करना है, ब्लैक से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 630 के आसपास GR आ रहा है, मतलब ये हमारा VSP है। और अगर तीन नंबर पिन देखेंगे तो यहाँ पे कोई GR नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको चेक करना है प्रोब को पलटा करके, ब्लैक प्रोब ग्राउंड करेंगे और अब इसको रेड प्रोब से चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखने मिल जाएगा 600 से 700 के बीच में GR। तो ये हमारा GR यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब हमारा VSP और VSN कनेक्टेड तो है, लेकिन क्या इस IC के अंदर जो सारे वोल्टेजेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, ये भी हमको देखना है कि यहाँ पे इसको VPH वोल्टेज मिलता है स्विचिंग के लिए, D3 के D1 के अंदर आपको स्विचिंग लाइन कनेक्ट होती है कॉइल के साथ, वो देखेंगे। ग्राउंड पिन सारे कनेक्ट है कि नहीं देखेंगे, इनेबल पिन EN1 EN2 और I2C क्लॉक डाटा पे GR आ रहा है कि नहीं वो भी देखेंगे। एक बार मैं ट्रैक बताना चाहूँगा, ये VSN का ट्रैक है हमारा, जो कि तीन नंबर के साथ प्रॉपर कनेक्ट है, ये देख सकते हैं प्रॉपर कनेक्ट है। और ये जो है हमारा VSP का ट्रैक है, तो यहाँ पे एक साइड तो ग्राउंड है, तो यहाँ से एक नंबर तक कनेक्ट होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं ये VSP जो +5 है यहाँ तक आपके बनने चाहिए। तो मोबाइल को ऑन करके आप यहाँ पे +5 और -5 देखेंगे, अगर ये नहीं बनते हैं तो फिर इस IC पे काम करना है, अगर ये सब बन रहे हैं आपके तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि वीवो के डायग्राम्स नहीं होते हैं तो आप इसमें कूल टेस्टिंग करके भी देख सकते हैं, हॉट टेस्टिंग करके भी देख सकते हैं। सबसे पहला काम आपका यही होता है कि आपके जो MIPI लाइन के GR है, ये देखिए ये दो लाइन हमारे कनेक्टेड है यहाँ से, तो MIPI जो प्रोटोकॉल होता है आपको पता ही होगा, दो पिन के बाद एक ग्राउंड होता है, फिर यहाँ पे भी वैल्यू, फिर यहाँ पे भी वैल्यू, टोटल 10 पिन, 4 पिन हो गए हैं, 5 ग्राउंड, फिर 6 7, मतलब कि अभी तक 6 पिन हो गए हैं, फिर एक ग्राउंड रहेगा 7, और फिर 8, यहाँ पे भी GR मिल रहा है, फिर एक 9, फिर एक 10, देख सकते हैं सारा यहाँ पे सब कुछ सही है ग्राउंड। तो ये सारे चीज़ आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे +5 -5 बन रहे कि नहीं बन रहे, आपको MIPI प्रोटोकॉल चेक करना है, रीसेट लाइन चेक करना है, ID लाइन चेक करना है, और यहाँ पे +5 -5 देखना है। तो एक बार मोबाइल को ऑन करके +5 -5 चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे DC से कनेक्ट करेंगे और मोबाइल को ऑन कर लेंगे, या बैटरी में पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं, अगर बैटरी में वोल्टेज है तो फिर हम बैटरी से ही ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बार बैटरी के वोल्टेज चेक करता हूँ मैं, बैटरी के जो वोल्टेज है 3.6 के आसपास है, 7 के आसपास, तो मोबाइल इसमें ऑन हो जाएगा हमारा। तो चलिए यहाँ पे मैं एक बार डिस्प्ले कनेक्ट कर लिया हूँ, बैटरी कनेक्ट कर लिया हूँ,
देख सकते हैं। एक बार मैं यहाँ से ऑन करूँगा, तो वाइब्रेटर देख लेते हैं, नीचे का भी पिन कनेक्ट कर लेंगे ताकि वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे पता चलना चाहिए। वाइब्रेट हो गया है अभी, तो यहाँ पे वाइब्रेट होने के बाद एक बार इस आईसी के पास हम वोल्टेज चेक कर लेंगे कि ग्राफिक आईसी के पास प्लस फाइव माइनस फाइव बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक प्रोब ग्राउंड कर दूंगा, यहाँ पे देखना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं प्लस फाइव की जगह पे 0.8 के आसपास वोल्टेज आ रहा है, और माइनस फाइव के पास भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। क्या इस आईसी को वीपीएच वोल्टेज मिल रहा है? देखिए यहाँ पे वीपीएच का 4 वोल्ट तो यहाँ तक आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ तक, तो वीपीएच तो मिल रहा होगा, बट यहाँ पे और यहाँ पे हमको कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 0.8 के आसपास मिल रहा है और माइनस फाइव में कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इस आईसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, आईसी को हम उतारेंगे, उतार कर दूसरी डालने से पहले आईसी ख़राब भी हो सकती है या फिर आईसी के नीचे पैड में कोई वोल्टेज नहीं मिलने पर भी आईसी काम नहीं करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका नोस्कट पॉइंट आपको याद रखना है उतारने के लिए, तो इसका नोस्कट जो पॉइंट है ऊपर की तरफ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पहले सबसे पहले सारे पिनों का जीआर निकालेंगे, जो हमारे 15 बॉल है, ये डाटा हम स्टूडेंट को क्लास में देते हैं, सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी फेसबुक पे भी हमने डाला है, अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेजेस ना बनने का कारण ये हो सकता है आईसी खुद ख़राब हो सकती है, या तो फिर दूसरा ये हो सकता है कि नीचे कोई पैड पे जीआर वैल्यू नहीं आ रही होगी। तो चलिए आईसी उतार लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आईसी मैंने खोल ली है, यहाँ पे मेरे पास आईसी मैंने यहाँ पर रख दिए, और अब हमको करना क्या है, नीचे के जो पैड्स है उसको क्लीन कर लेंगे, और क्लीन करके हम चेक करेंगे कि हमारा जो कोई ट्रैक मिस तो नहीं है इसमें से। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक नंबर से शुरुआत करेंगे, तो मल्टीमीटर को रख लेना है बीप मोड पे, और सबसे पहले इसका A1 जो है पिन हमारा वो के आपका इनेबल सिग्नल है, जो कि CPU से आता है, क्योंकि E1 जो है ग्राउंड होता है हमारा, और A1 पे सबसे पहले देखेंगे। तो A1 पे आप जैसा देख सकते हैं इनेबल टू जो है हमारा यहाँ पे जी आर आ रहा है, उसके बाद में B1 भी चेक कर लेते हैं, जो कि इनेबल वन है, ये भी ओके है। B2 जो है इसका क्लॉक सप्लाई होती है, जो कि CPU से आती है, तो क्लॉक सप्लाई भी आ रही है। C2 देख लेते हैं एक बार, SDA लाइन होती है हमारी, तो C2 पे भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं SDA जो सप्लाई है वो भी ओके है हमारी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, ये 4 पिन तो ओके है, और आउटपुट के ट्रैक्स तो ओके थे, यहाँ से यहाँ तक हमने ऑलरेडी देख लिया था यहाँ से। अब इसमें देखना हमको ये है कि VPH का जो C1 में VPH आता है, यहाँ पे VPH का GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो C1 जो है हमारा यहाँ पे है, तो C1 में देख सकते हैं फ्रेंड्स आप 420 के आसपास GR आ रहा है। अब ये कॉइल के थ्रू, यहां से कॉइल एक साइड कनेक्ट होता है, उसके बाद यही वोल्टेज इससे होकर के D1 में जाता है, तो ABCD D1 में अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई GR नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं C1 में तो GR मिल रहा है, लेकिन D1 में कोई GR नहीं मिल रहा है, यानी VPH वोल्टेज यहाँ तो आएगा लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। हो सकता है कि ये कॉइल ओपन हो, या फिर हो सकता है यहाँ से कॉइल तक की ट्रैक ओपन हो। एक बार मैं चार्जर लगाकर भी आपको चेक कराना चाहूंगा कि यहाँ पे जो VPH वोल्टेज है हमारा C1 में तो मिलेगा, लेकिन जो हमारी D1 की लाइन है, जो कि इनपुट है कॉइल से, देख सकते हैं चार्जर में यहाँ पे लगा दिया हूँ। मल्टीमीटर को कर देंगे DC 20 में, तो अब यहाँ पे हम इसी
आईसी में देखते हैं C1 और D1 में। C1 में 4 वोल्ट आने चाहिए, उसके बाद D1 में भी 4 वोल्ट आने चाहिए। तो C1 जो है हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ तो 4 वोल्ट मिल रहे हैं, उसके बाद D1 यहाँ पे है, तो D1 में देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं C1 में तो वोल्टेज आ रहा है, VPH इन तो हो रहा है आईसी के लिए, लेकिन स्विचिंग जो लाइन है यहाँ से, स्विचिंग लाइन ओपन रहने के कारण यहाँ पे ये आईसी स्विचिंग नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहले ये कॉइल निकाल के ये ट्रैक चेक करेंगे, उसके बाद ये कॉइल को हम देखेंगे। अगर कॉइल ओपन होगा तो कॉइल चेंज करेंगे, अगर ट्रैक ओपन होगी तो हम यहाँ पे ट्रैक को हमको बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईसी मैंने यहीं पे निकाल दिया है। तो सबसे पहले हम कॉइल को रिमूव करेंगे, उसके बाद जो हमारी D1 की लाइन है जो कि स्विचिंग लाइन है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि ट्रैक सही है या तो फिर कॉइल खराब हुआ है। कुछ भी हो सकता है, जब आप नीचे पैड्स का GR चेक करोगे, जब आपके पास डाटा शीट होगा, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। एक बार मैं क्लीनिंग करने के लिए कैप को भी रिमूव कर लेता हूं, यहां से थोड़ा इधर रख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखेंगे, और अब हम चेक कर लेंगे एक बार कॉइल को भी चेक कर लेंगे। कॉइल हमने यहीं पे निकाला है, ये देख सकते हैं ये कॉइल है हमारा, कोई टूटा हुआ तो लग नहीं रहा है, देख सकते हैं सारा का सारा सब कुछ सही है। तो सबसे पहले ट्रैक चेक करेंगे, इस तरफ से तो हमारा C1 के साथ बीप आनी चाहिए जो कि आ रही है, देख सकते हैं A1। थोड़ा क्लीन करके जूम करके बताना चाहूंगा मैं आपको, शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, साफ कर देते हैं एक बार। तो यहां पे जो हमारा C1 है वो यहां पे है, तो C1 की ट्रैक तो ओके है। अब D1 की जो ट्रैक है कॉइल के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, देख सकते हैं ये वाली ट्रैक तो इसके साथ ओके है, बट ये ट्रैक, ये देख सकते हैं ये ट्रैक भी इसके साथ बिल्कुल ओके है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे GR नहीं मिल रहा था। जब कॉइल लगेगा तो यहां से 4 वोल्ट VPH का यहां आना चाहिए था, अगर यहाँ पे अगर अभी भी आप चेक करोगे तो VPH का GR हमको मिलेगा, ये देख सकते हैं 400 के आसपास यहाँ पे भी सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ कॉइल जब लग जाता है तो यहाँ पे D1 में भी GR आने चाहिए। अब बारी आती है कॉइल की, एक बार हम कॉइल भी चेक कर लेते हैं, क्या कॉइल हमारा ओपन तो नहीं हो गया है। तो कॉइल के दोनों सिरों पे मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे करके बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं कॉइल के दोनों सिरों पे रख रहा हूँ, कोई एक देख सकते हैं कॉइल हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है, कोई यहाँ पे बजर साउंड नहीं मिल रही है आपको देखने के लिए, देख सकते हैं। तो ये कॉइल हमारा ओपन है तो हमारा आईसी ठीक ही होगा। तो सबसे पहले आईसी को रिवॉल्व करके डालेंगे, उसके बाद हम कॉइल को भी डाल देंगे। तो थोड़ा यहाँ पे क्लीनिंग अच्छे से करनी चाहिए। तो कॉइल यहाँ पे हमारा इस मोबाइल के अंदर कॉइल जो है हमारा खराब हो चुका है, तो यहाँ पे हम एक दूसरा कॉइल डालेंगे और इसी आईसी को रिवॉल्व करके डालेंगे। तो तब तक मैं सबसे पहले यहाँ पे PCB को क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा फ्लक्स लगा करके, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट रहने की वजह से क्लीनिंग करने में दिक्कत आ रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं आईसी के पास। चलिए तो यहाँ पे क्लीन हो चुका है, अब बारी आते हैं आईसी के रिबॉलिंग की। तो सबसे पहले आईसी को रिबॉल करते हैं, ये देख सकते हैं छोटा सा ग्लास आईसी है, बहुत छोटा सा होता है ये 15 वॉल का, तो इसको यूनिवर्सल स्टेंसिल में हम रिबॉलिंग कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा
सो फ्रेंड्स, आईसी हमने रिवॉल्व कर ली है जैसा आप देख सकते हैं, और A1 जो पिन है इसका इस साइड में नीचे आता है, तो इसको हमको इस तरह से लगाना है। और ये कैप हम जो है वापस यहाँ लगा देंगे, और एक कॉयल हमको यहाँ पे डालना है ग्राफिक के लिए, तो वो कॉयल हम किसी और बोर्ड से निकाल लेंगे। तो यहाँ के लिए कॉयल जो हम निकाल लेंगे यहाँ से, एक बार कॉयल को चेक कर लेंगे कि कॉयल सही है कि नहीं है। तो एक बार यहाँ पे बीप बजा के देख लेते हैं, ठीक है, ये कॉयल तो हमारा सही है। इसमें से कॉयल निकाल लेंगे और हम इस कॉयल को वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कॉयल हमने निकाल लिया है, आईसी भी लगा लेंगे और इस कॉयल को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो साइज़ ठीक है, चल जाएगा, थोड़ा सा बड़ा है बट चल जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉयल मैंने डाल दिया है। एक बार मैं VSN VSP के GR भी चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारा VSP का GR तो आ रहा है, तो प्रोब पलटा कर VSN का भी GR चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी ट्रैक हमारा सही है, GR मिल रहा है। एक बार कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, ठीक है, तो एक बार चेक करेंगे कि हमारे +5 -5 वोल्टेज अभी बनते हैं कि नहीं बनते हैं, क्योंकि आईसी हमने डाल दिया है और कॉयल भी लगा दिया है। एक बार चेक कर लेंगे साफ करके, तो डिस्प्ले में लगा लेंगे, यहाँ पर सारा चीज फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पावर की का पत्ता लगा लेते हैं, फिर डिस्प्ले का भी लगा लेंगे, उसके बाद चार्जिंग का भी पत्ता लगा लेते हैं, और बैटरी भी मैंने लगा ली है। एक बार ऑन करके चेक करेंगे, फ़ोन मेरा वाइब्रेट हो गया है। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ग्राफिक का जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है, ग्राफिक हमारा आ चुका है। जैसा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ग्राफिक हमारा आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम जैसा था कि VPS लाइन कॉइल के एक साइड से तो इन हो रही थी, बट स्विचिंग लाइन जो हमारी D1 की लाइन थी वहां से स्विचिंग ना होने के कारण आईसी वर्क नहीं कर रहा था। अगर आपके पास पैड्स का GR वैल्यू हो, अगर आप आईसी का डाटा शीट आपको बनाना आता है, समझने आता है, तो आप बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज आप CP तक चले जाएंगे। विवो के बहुत सारे डायग्राम्स नहीं होते हैं और बच्चे सोचते हैं कि विवो का फोन नहीं बनता है। फोन फिक्स हैदराबाद में आपको यूनिवर्सल तरीका सिखाया जाएगा, मॉडल वाइज नहीं बल्कि आपको आईसी वाइज काम सिखाया जाएगा। आप आईसी के थ्रू बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप हमने चेक किया इसको, मीपी लाइन सारी चेक की। मीपी लाइन के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा डिस्प्ले आ चुका है।
तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है नीचे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। और अगर अच्छे से काम सीखना चाहते हैं तो फोन फिक्स हैदराबाद आ सकते हैं। अब एंड्रॉइड के साथ एप्पल फ्री मिल रहा है आपको, यानी कि डबल बोनस मिल रहा है, डबल धमाका मिल रहा है, तो यहाँ पे जुड़ जाइए। 27 मई से बैच है हमारा, एक एक चीज आपको सिखाई जाती है, आईसी रिवॉल्विंग से लेकर के सीपीयू रिवॉल्विंग तक, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डबल डेकर, ओनली रैम आपको सिखाया जाता है। बहुत कुछ मिलने वाला है फ्रेंड, जो इंडिया में कोई नहीं देगा, चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। इतनी कम फीस में एप्पल के साथ एंड्रॉइड कोई नहीं देता है आपको, सिर्फ फोन फिक्स हैदराबाद ही है जो आपको नई नई सॉल्यूशंस के साथ साथ लेटेस्ट ट्रिक्स देता है। 4G और 5G हैंडसेट के साथ साथ अभी आईफोन भी मिलने वाला है आपको, जल्दी से जुड़ जाइए फोन फिक्स हैदराबाद के साथ। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।